हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जो पार्टी सांसद में जय श्री राम बोलने से कतराती है वो देश का क्या भला करेगी? सांसद दिया कुमारी, विधायक राठौड़ और सांसद ने किया आमेट पंचायतों का दौरा। विकास के नाम पर भाजपा प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। पंचायत चुनाव में आम सभा को संबोधित करते हुए सांसद दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस झूठे वादों के दम पर जनता को गुमराह कर रही है। ये झूठे हैं और झूठे ही रहेंगे। ना तो किसानों के कर्ज माफ किए और ना ही युवाओं को बेरोजगारी भत्ते दिए। लॉकडाउन में परेशान जनता के बिजली बिल माफ करना तो दूर की बात, सरचार्ज बढ़ाकर बिल ही 3 गुना कर दिए। कांग्रेस ने सेवा नहीं की, सिर्फ राज किया है और वो भी परिवार विशेष के लोगों के लिए। सांसद ने कहा कि पंचायत चुनाव में जनता के पास अच्छा मौका है कांग्रेस को सबक सिखाने का। अगर आपने सबक सिखा दिया तो कांग्रेस को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि जनता से वादा खिलाफी का क्या परिणाम हो सकता है। गांव की सरकार में भाजपा का समर्थन मिलता है तो विकास की रफ्तार और तेज हो जाएगी। गांव के छोटे छोटे कार्य पंचायत समिति के माध्यम से होंगे तो बड़े कार्य केंद्र की मोदी सरकार करेगी। प्रातः 9 बजे सिरोड़ी में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए सांसद दिया कुमारी ने कहा कि जो पार्टी सांसद में जय श्री राम, वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने से कतराती है वो क्या देश और जनता का भला करेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज राष्ट्रवाद की भावना आम जनता के मन में हिलोरे मार रही है तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। देश हित में होने वाले कार्यों का विरोध कर रही है। सभा को संबोधित करते हुए कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि हमें आम जनता पर विश्वास है कि वो छठी बार भी आमेट पंचायत समिति में भाजपा का परचम फहराएगी। विधायक ने विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि क्षेत्र में विकास में कोई कमी नहीं रखी है और ना ही रखेगी। विकास कार्य से जलन रखने वाले कुछ ऐसे लोग क्षेत्र में सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं जो भाजपा को बदनाम कर क्षेत्र को विकास में पीछे ढकेलना चाहते हैं। इसलिए हमें मुस्तैद रहकर ज्यादा से ज्यादा मतदान भाजपा के पक्ष में करवाना है। राठौड़ ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और नरेगा में होने वाले सभी कार्यों का भुगतान केंद्र सरकार कर रही है लेकिन कांग्रेस झूठी वाहवाही लेने में जुटी है। सिरोड़ी के बाद सियाना, बांडा, पिपलिया, चौराहा, जेतपुरा, सिमाल आदि जिला परिषद वार्ड 17-18 में जिपस और पंचायत समिति के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करते हुए सांसद दिया कुमारी और विधायक राठौड़ ने कमल के फूल का बटन दबाने की अपील की। इस दौरान प्रत्याशी अंशी गुजर, राजोड़ी भील, नीरा कंवर, सज्जन सिंह, रत्नी देवी जाट, पारस बैरवा के साथ हजारी गुजर, शुभम सिंह नारायण गुजर, करण सिंह राव, खुमान सिंह राव, प्रेम सिंह नारायण, बोथलाल जाट, दीपक शर्मा, भैरूलाल जाट आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। जागरूक टीवी के लिए राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।